वकाजी हैं जी, वकाजी। क्या क्या कहना चाहेंगे आप जी मैं तो अभी आया, कोई जी? टॉपिक चल रहा है। आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? आज ओपन डिस्कशन हो रही है, आप क्या बात करना चाहेंगे? नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं तो अभी आया ना। तो मैंने आपसे वही कहा ना, आज ओपन टॉपिक है, आप किसी भी चीज पे बात कर सकते हैं। आपने, आप कहाँ से, मुसलमान हैं आप? जी नहीं मुसलमान, पाकिस्तान कहाँ से हैं आप वकाजी? से। पाकिस्तान का? हाँ कहाँ पर, कहाँ से पाकिस्तानी, कहाँ से? अच्छा, पेशावर से। पेशावर से हैं आप। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान कैसा मुल्क है? अच्छा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुल्क है हमारे लिए। थैंक यू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। गाइस, मेरा एपी के साथ इंटरव्यू जो हुआ था वो मैंने अपने इंग्लिश के चैनल पे पोस्ट कर दिया है, वो जरूर देखना जाकर आप लोग, इट इज अ फन वीडियो। हाँ, आप क्यों, आपको क्या लगता है कि पेशावर में औरतों के पास सारे हकूक है? आपकी औरतें बाहर निकलती हैं? जी अपने जरूरियात के मुताबिक निकलती जरूरियात के मुताबिक वैसे नहीं निकलती हैं? नहीं, रात को अगर मेरा दिल करे 11 बजे कि मैं पराठा खाऊं, चाय पीऊं, जाकर बाहर ढाबे पे, तो मैं जा सकती हूँ कि नहीं अकेले? अकेले क्यों जा सकती हूँ भैया? आप लेडीज है, आपके लिए घर है। लेडीज हूं तो क्या हुआ, अकेले क्यों नहीं जा सकती मैं यानी एक अडल्ट होकर, एक 39 की उम्र, अकेले बाहर क्यों नहीं जा सकती है? तो जी कुछ भी हो सकता है अगर अकेले जाके, तो उसको किस किस से डर है? उसको उसको आदमी से डर है ना। आदमियों से डर है जी? तो आदमियों से डर क्यों है उसको? आपके आदमी ऐसा क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में जो उसको डर है? क्योंकि मैं तो यहाँ रात के 4 बजे भी जाकर ना, हम लोग यहाँ पे जाते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बता रही थी ना, 4 बजे हम क्लब से फारिग होते थे, वहां जाते थे बंद कबाब और चाट वगैरह खाने के लिए, अकेले जाते थे रात को, कहाँ पर? उधर कनाडा में, काफिर के मुल्क में। तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है ना। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आपका मुल्क अच्छा हुआ फिर औरतों के लिए, या काफिरों का मुल्क अच्छा हुआ औरतों के लिए? नहीं आप लोग जो अपने आजाद जिंदगी गुजार रहे हो सिर्फ दुनिया के मुताबिक, लेकिन हम मुसलमान हैं, औरत के लिए अल्लाह ताला ने पर्द मुकर्रर किया कि भाई पर्दे में रहो। जब आप पर्दे में रहोगे तो सेफ रहोगे, जब नहीं, आप मगर घर से पर्दे बाहर में निकल। क्यों रहो? देखें, डेंजर इंसान जो है वो है मर्द, मर्द को नहीं अंदर बैठना चाहिए? जब औरत में खतरा मर्द से है तो मर्द को अंदर रखे ना, मर्द को थोड़ी है औरत से खतरा। नहीं तो अल्लाह ताला ने ये पहले मर्द को कहा कि अपनी निगाह ही नीचे करो, फिर उसके बाद औरत को कहा। कहाँ आयत लगी आएगी आपको? आयत पता है हाँ कहाँ लिखाई है? मैं पहले आपसे पूछता हूँ, आपने इस्लाम कस्टडी किया पूरी तरह? जी हाँ, मैंने तो बहुत ही ज्यादा स्टडी की है इस्लाम की, मुझे इसी वजह से तो मैं इस्लाम छोड़ दिया स्टडी करने के बाद। तो आपने कुरान करीम पूरा मुकम्मल पढ़ के तब जी, मैंने सब आपको कुछ मालूम? पढ़ा, मगर जब मैंने देखा कि उसमें यही बोला जाता है कि भाई औरत को तो बंद करके बिठा दो, औरत की पिटाई करो, औरत के साथ ये करो वो करो, 6 साल की बच्ची से शादी करवा दो, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो सही नहीं लग रहा मुझको। तो आपको यह मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने पहले मर्द को कहा कि अपने निगाह नीचे करो, फिर उसके बाद औरत को कहा? ये शायद आप मगर नहीं ये देखे मर्द गए। तो अपनी निगाहें नीचे नहीं कर रहा ना, उसकी वजह से औरत जो है वो एक पर्दे के पीछे फंस गई है। मर्द तो कर ही नहीं रहा ना, मर्द तो आपके कर ही नहीं रहे, मर्द तो आपके जिना कर रहे हैं, मर्द तो आपकी पाकिस्तान में कब्र में से भी औरत निकाल के उसके साथ कर रहे हैं। तो ये पर्दे का तो कॉन्सेप्ट आप छोड़ ही दो, क्योंकि छोटी सी बेटी बच्ची जो है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में औरतें कोई स्कर्ट में तो वैसे भी नहीं घूम रही होती हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक तो कपड़े पहन रहे होते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते उनको। तो आपकी कपड़ों की तो खैर बात जी ही नहीं है उसमें, कपड़ों से तो कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, वो आर्ग्यूमेंट ही स्टूपिड है। आप ये मर्द ठीक इतने फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे पता है आपके मर्द इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों है सेक्सुअली? तो ये तो इस्लाम की तो गलती नहीं है, उस मर्द की गलती है ना, जो लोग ये कर रहे हैं उसी की गलती है ना आपको नहीं इस्लाम लगता की। कि इंसान की गलती है? यातूर जी, आप बात करोगे इनसे जरा? 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दीजिए। आप ऐसा करो, या तो कहो कि ये मुसलमान की गलती है या इस्लाम की गलती है। अगर मुझे आप मुसलमान की गलती मुझे मत दिखाइए, आप मुझे इस्लाम की गलती दिखाइए। इस्लाम जो गलती की वही वही मुझे कह दीजिए अरे कुरान भाई, करीम से। मुसलमान फॉलो किस चीज को करते हैं?
मुसलमान कौन सा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे, मुसलमान कर रहे हैं फॉलो इस्लाम को, इस्लाम की गलती है। चंद अल्लाह ताला ने क्या कहा? मुसलमान देखिए देखिए मुसलमान चंद ऐसे हैं जो नहीं करते हैं आपके पूरे इस्लाम को फॉलो, गलती इस्लाम की ही है, क्योंकि आपको इस्लाम ही औरत को हकूक नहीं देता है और उसी पे आप अमल करके मुसलमान औरत से हकूक ले लेते हैं। इसी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड भी बैठे हो, क्योंकि आपका इस्लाम कहता है कि भैया जिना करना हराम है और हिलाना भी हराम है, तो भाई वो बंदा जाएगा तो जाएगा कहाँ, खड़ा हो गया मैं कहाँ जाऊँ, तो वो जाके छोटी छोटी बच्चियां पकड़ रहे हैं, कुतिया पकड़ रहे हैं, बकरियां पकड़ रहे हैं, कब्र में औरत पकड़ रहे हैं, कोई सेफ नहीं है वहां पर, कोई औरत बुक्की नहीं भी जा रही है तो उसके पीछे जो है चूतड़ में हाथ लगा के निकल जाते हैं, पता नहीं क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, उंगली कर देंगे, व्हाट इज दिस। आप बसों में हाल देखो अपना, बाजारों में हाल देखो अपना, औरत यानी सुकून से बाहर निकल नहीं सकती है क्योंकि भेड़िए फिर रहे हैं बाहर, और आपको भी पता है भेड़िए फिर रहे हैं बाहर आपके माशरे में। इस वजह से आप कहते हो औरत घर में बैठ जाए और बिल्कुल ही बंद करके बैठ जाए, इससे बेहतर कि आप उन भेड़ियों को बंद करो, आप औरत को बंद कर देते हो, ये क्या बात है, समझ में नहीं आता मुझको। देखो या तो जी, क्या आपको यहाँ पे देखिए एक इस्लाम की बात है, एक मुसलमान करने के, वो जो लोग कर रहे हैं उसी की बात है, तो जो वही तो मैंने मुसलमान कर रहे आपसे हैं। कहा, भाई मुझे बताइए वकार जी, मुसलमान क्या बाइबल पढ़ के कर रहे हैं उस पे अमल? देखो जी, अल्लाह ताला ने कहा कि आप लोग जिना मत करो, अगर वो जिना करे तो ये तो उसका गुनाह है, अल्लाह ताला उसको अजाब देगा, सीधी सी बात मगर है। मुझे ये बताएं, नहीं जिना करना तो अलग चीज, मुझे ये बताएं मुसलमान कौन सी किस किताब को फॉलो करेंगे तो मुसलमान कहलाएंगे? ये वो इस्लामी फॉलो करते हैं, लेकिन वो करता है, लेकिन वो गुनाह करते हैं तो उसकी सजा देगा, वो सजा देगा अल्लाह ताला, सीधी बात है। देखिए आपका इस्लाम आपको ये कहता है कि आप सेक्स नहीं कर सकते हो, जिना है ये है वो है, तो उसकी वजह से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है ना आपके माहौल में ज्यादा हो गई है, इस वजह से जाके लोग इधर उधर कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो करना ही है। जब बंदे का खड़ा होना शुरू हो जाता है ना, जब हॉर्मोन्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है दूसरे से। आपका इस्लाम कहता है वो नेचर की गई माँ बहन करो, तुम जो हो जो है वो नेचर के ऑपोजिट जाओ, तुम बिल्कुल वो सेलेबेसी करो, और जब तक आपकी शादी ना हो जाए कहीं पे आपने वो डालना नहीं है, तो लोग तो पीछे जाके कर लेते हैं यू नो इधर उधर। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर मैन, आपको मर्दों के अंदर प्रॉब्लम दिखती नहीं, आप औरतों के ऊपर आ जाते हो कि नहीं, औरतों बंद कर दो।